जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं इस वक्त इंसाफ डिजिटल। फैसल चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज बड़ी अहम समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन और वजारत दफा की जानिब से। दो दरख्वास्तें इलेक्शन एक वक्त पर करवाने के लिए जो है वो दायर की गई थी, उस पर आज समाअत हुई है। इनसे अहवाल भी जानेंगे और इनको भी तलब किया गया था रोस्टम के ऊपर, पूछेंगे कि क्या सवाल जवाब हुए और कल जो सियासी पार्टियों तमाम सियासी पार्टियों को नोटिस जारी किया उसके मुतालिक क्या पीटीआई के इस वक्त कोई तहफ़ात हैं या आप क्या समझते हैं। मुकम्मल तौर पर चीफ जस्टिस जो इस वक्त एक आईनी स्टांस लेकर फैसला देने जा रहे हैं या उन्होंने जो पार्टियों को बुलाया उसके ऊपर आप मुतमईन हैं? नहीं, उन्होंने बुलाया है, इत्मीनान की बात या गैर इत्मीनान की बात अभी है नहीं जी। अभी तो आए हैं, बात सुनेंगे उनको, वो क्या कहते हैं मुज़ाकरात की वो बात करें। कौन सी सियासी जमात मुज़ाकरात से इनकार कर सकती है? आईन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो मुज़ाकरात होंगे उसकी भरपूर सपोर्ट की जाएगी और जो भी मेरी राय में कि जो रूल्स ऑफ द गेम है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के कवानीन, इसके अंदर रह के बात होगी। और इसके अलावा बाहर जो अगर इसके जाना चाहेगा तो वो तो शायद मुश्किल है। आइन के अंदर रहते हुए जो भी मुज़ाकरात जो भी बात तमाम पार्टियों के साथ होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। आइन के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन के लिए ऑर्डर्स किए गए हैं, उसके बाद मुज़ाकरात की बात होना आपको क्या लगता है सही है या आइन कानून के मुताबिक फैसले के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए? देखिए, अमल दरामद अपनी जगह है, मुज़ाकरात अपनी जगह है। मुज़ाकरात को कोई भी सियासत में मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात को कोई ना नहीं करता और सियासी जमातें कभी अपने दरवाजे बंद नहीं करते। हाँ, अपनी शरायत वो भी रखेंगे, पी डी एम वालों को क्योंकि वो हुकूमत में है उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने पड़ेंगे। ये तो नहीं है कि रात को सराजुल हक साहब आए, सुबह पीपल्स पार्टी से पीटीआई सिंध का सदर उठा लें और हो फिर आप ये कहें बराबर भुट्टो साहब कहें कि टॉक सर नहीं है, तो फिर उनको सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, अपने सूबे के अंदर पर दिखानी पड़ेगी ना। इस तरह तो नहीं होता कि रात को आप टॉक से बात करें और सुबह जो है आप उसको सबोटाज करें। तो चीफ साहब ने आपको क्या लगता है कोई ग्राउंड सेट किए हैं मुज़ाकरात के कि किस तरह से मुज़ाकरात शुरू होंगे और क्या ग्राउंड्स होंगे जिनके ऊपर मुज़ाकरात किए जाएंगे? ग्राउंड सिर्फ आईने पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान ही की ग्राउंड है, वही बाउंड्री है, वही स्टेडियम है, वहीं पर खेल। आईन पर अमल होता तो सर नज़र नहीं आ रहा, तो ग्राउंड्स कैसे फॉलो किए? आईन पर अमल होता नज़र नहीं आ रहा तो फिर ये रियासत पाकिस्तान की नाकामी की तरफ इशारे हैं। अगर आईन पे अमल नहीं होगा, कानून के मुताबिक अमल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल नहीं होगा तो फिर एक नाकाम रियासत होगी पाकिस्तान। और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जो स्टेक होल्डर हैं उनको इस बात को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को इस तरह से नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान चलेगा तो आईन के मुताबिक चलेगा, डंडे ये ख्वाहिशों के जोर पर नहीं चलता। आपको क्या लगता है वजारत खजाना पैसे नहीं दे रही, वजारत दिफा सिक्योरिटी नहीं दे रही, नाअहल हो चुके हैं, उनको नाअहली अपनी एक्सेप्ट करके इस्तीफे दे देने चाहिए अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकते? अगर इलेक्शन कमीशन कहे मैं इलेक्शन नहीं करा सकता तो फिर तो ताले लगने चाहिए ना उसको। और अगर वजारत दिफा सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो फिर भी सोचने की बात, इतने बातें तो सोचने की है कि जो आपकी जिम्मेदारी अगर आप नहीं अदा कर सकते तो फिर अदारे किस में, अगर मैं कहूँ मैं वकालतें नहीं कर सकता तो फिर मेरी यूटिलिटी इस कोर्ट में इस निज़ाम में तो नहीं है। आप कहें हम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते तो फिर आपका अपने इदारों के लिए अपने चैनल्स के लिए आप तो फिर बेकार हैं। तो जो बेकार हैं वो रियासत तो नहीं चलाते, रियासत तो वही जिनके इस्तेदाद कार होती है। चैलेंजेस आते हैं कौमों के ऊपर, चैलेंजेस को निबर्द आजमा होते हैं। वो इलेक्शन कमीशन जिन्होंने 2007 का इलेक्शन कराया, 8 का इलेक्शन कराया, 2013 में इलेक्शन कराया, या जो 77 का इलेक्शन कराया पाकिस्तान टूटने के बाद, उस इलेक्शन कमीशन की और सिक्योरिटी इदारों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए ना, जिन्होंने एक मुश्किल हालात में इलेक्शन कराया। चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस को निपटना ही कौमों की ज़िंदगी में अहम होता है और उसी के ऊपर जो है गौर करना चाहिए। मुज़ाकरात के लिए पीटीआई तमाम जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार है? बेटा कल 11 बजे कल 11। और अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो आपको 14 मई के इलेक्शन पर अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है और पीटीआई का स्टांस क्या है अगर ऐसा नहीं? अदालत अगर कहती है तो अदालत की बात को मानना पड़ता है, तस्लीम करना चाहिए, यही एक महजब और कानून को मानने वाले शहरियों का। अदालत की बात सर कैसे मानेंगे, इदारे मानने के लिए तैयार नहीं है, कभी रेफरेंसेस दायर किए जा रहे हैं, कभी फैसले मुस्तरद किए जा रहे हैं, पार्लियामेंट कहती है इदारों ने रेफरेंस फाइल, पार्लियामेंट इदारा है एक इदारा, रेफरेंस कहां पे फाइल हुआ? पार्लियामेंट नहीं नहीं लोगों मतलब वो आप इदारों और आम लोगों नहीं इदारे नहीं पार्लियामेंट में फैसले मुस्तरद किए जा रहे हैं और जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए जा रहे हैं। इलेक्शन होने दो, ये मुस्तरद हो जाएंगे लोगों के हाथ, जब ये मुस्तरद होंगे तो फिर वो क्या करती थी बेनजीर कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो जमहूरियत को इंतकाम लेने दीजिए और आइन के ऊपर अमल भी होगा, सारे इदारे भी करेंगे, जो नहीं करेगा फिर अदालतें भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, अवाम भी हैं, देखेंगे।